राम जी का यात्रा है पटना से गए थे। हाँ ममहर भी गए थे, ममहर भी गए थे, दोनों जगह गए थे, लवकुश के ममहर और राम जी के ससुराल। अब उनके गांव जाना है। राम जी के या जानकी ससुराल गए थे, वाल्मीकि नगर गए थे, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पटना से चला लवकुश रथ, कई जिलों में घूमने के बाद आज मुजफ्फरपुर आया हुआ है। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हैं ऊपर चढ़े हुए हैं। और सबके सिया सबके राम लवकुश रथ यात्रा है। और लवकुश समाज बिहार प्रदेश के द्वारा इस ये रथ यात्रा चल रही है, जो सीतामढ़ी गई थी, मुजफ्फरपुर है, फिर समस्तीपुर जाएगी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से काफिला है, लंबा चौड़ा ये काफिला है। और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ऊपर देखिए किस तरीके से उत्साह का माहौल है। अन्य तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से काफ़ी उत्साह का माहौल है। और इसे देखने के लिए भीड़ जुटी है। देखिए लोग देख रहे हैं, इसको देखने के लिए भी भीड़ जुटी हुई है। और किस तरीके से अद्भुत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ऊपर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सबके सिया सबके राम हैं। और आपको देखिए किस तरीके से लवकुश रथ है ये, और रथ है कहाँ से गया, सीतामढ़ी भी गए थे कई जिलों जी में। जी सीतामढ़ी हो के आ रहे हैं। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी गए, वाल्मीकि नगर गए, पब्लिक का बहुत रुझान है, पब्लिक बहुत साथ में है। और एकदम राम जी का यात्रा है पटना से गए थे। हाँ ममहर भी गए थे, ममहर भी गए थे, दोनों जगह गए थे, लवकुश के ममहर और राम जी के ससुराल। अब उनके गांव जाना है, अब उनके गांव जाना है, अभी घूमते हुए पूरे बिहार को, बिहार के 38 जिले। उद्देश्य यही है कि हम लवकुश समाज के तरफ से यह रथ यात्रा निकाला गया है, जो हमारे देश में हमारे बिहार राज्य में एकदम हमारे सनातन धर्म को जागृत करे और लोगों तक यह पहुंचाए कि 22 जनवरी का जो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो हमारे बहुत साधु संतों के बलिदान के बाद 500 वर्षों के बाद यह शुभ अवसर हमें मिला है, इसमें हम सब जहां हैं, जहां से हो, अपने घर से, अयोध्या से, जो जहां हो वहां से, इस त्यौहार के रूप में इसको भव्य रूप से मनाया जाए। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत में कितना उत्साह, बहुत उत्साह था। वहां का रैली आप रैली देखिएगा, वहां का हम लोग का है, लवकुश समाज का निकला हुआ है, वहां बहुत पब्लिकों का प्यार मिला। लवकुश समाज का पूरा समर्थन है। हाँ, पर नहीं, सब समाज का समर्थन है इसमें, लवकुश समाज का ही नहीं, हर समाज के लोग समर्थन, सब सनातन लोगों का समर्थन है। बहुत उत्साह मिला और आगे और मिलेगा। अभी आगे असर होगा इसका, क्योंकि लवकुश समाज बीजेपी के द्वारा ये किया गया है। जी जी। और फैक्टर माना जाता है नीतीश कुमार को लवकुश का। जी, इसमें आप कुछ असर दिखेगा कि नहीं? जरूर जरूर, लोकसभा चुनाव जो क्यों नहीं दिखेगा। यहाँ पूरा सीट पे हमको कब्जा करना है, ये बार पूरा कब्जा, यहाँ पूरा सीट एक भी नहीं छोड़ना है। पूरा उत्साह है और भक्तिमय माहौल है, राममय बिहार हो चुका है। आप समझिए सीता मैया की धरती से जो है एक शगुन के रूप में ये जो है अयोध्या के लिए रथ जा रही है। और 22 तारीख को ये रथ वहाँ पहुँचेगी। और जब बेटी के घर में कुछ होता है तो जो है नैहर के लोग बहुत खुश होते हैं, तो ये तो हमारे समझिए राम तो हमारे कुटुम्ब है, तो इसलिए पूरा बिहार जो है राममय हो चुका है, जिसका असर 24 में और 25 में आपको बिल्कुल पूरे देश में, बिहार में भी देखने को मिले। काफ़ी उत्साह है। और देखिए आपको काफ़ी लगी पीछे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरीके से ये रथ है। और ये रथ कई जिलों में घूम रहा है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने देखा है किस तरीके से जो रथ में जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, रथ के आसपास जो गाड़ियों में घूम रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरीके से। क्या कितना उत्साह है भैया, कितनी भीड़ जुट रही है। छह दिन आज हो गया। भीड़ कितनी जुट रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ जुट रही है। और भी हम बात करते हैं रथ है उसको लेकर भी, आपने देखा किस तरीके से उत्साह देखने को मिलता है रथ में। और काफ़ी उत्साह है, भगवा में पूरा इलाका है। और अलग इधर आपको दिखाते हैं किस तरीके से रथ के ड्राइवर से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, रथ का जो गाड़ी चला रहे हैं उन ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं, रथ जो चला रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। रथ चला रहे हैं आप? हाँ सर। क्या उत्साह देखने को मिला है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लवकुश यात्रा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हम पटना से आए, हम महाराष्ट्र से गाड़ी लेके आए, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, सिरोही जिले के। राम जी के ससुराल गए थे, वाल्मीकि नगर गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये ड्राइवर थे जिन्होंने बताया है, ड्राइवर से भी हमने बातचीत की है,
काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्राइवर से जब हमने सवाल किए तो उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देखिए अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से उत्साह का नज़ारा है, और अलग अलग तस्वीरें आपने देखी हैं, काफ़ी उत्साह है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के जो तमाम जो लीडर हैं वो भी इस रथ में हैं, और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी उत्साह का माहौल है। और क्या देखिए, राम जी तो हमारे आराध्य के साथ, पाहुन के साथ हमारे पाहुन भी है, और बेटी का अगर घर बन रहा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी बेटी वाले को होता है। और हमारे रामलला 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान हो रहा है, और यह लव कुश रथ यात्रा जो पटना से निकली है, बिहार के 3800 जिला से होते हुए यह अयोध्या धाम पहुंचेगी। अभी यह यात्रा समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, जनकपुर होते हुए फिर यह अयोध्या धाम के लिए निकलेगी, और हर जगह इसका स्वागत निश्चित तौर पर अभी देख सकते हैं कि सैकड़ों की तरफ। ससुराल में कैसा रहा राम जी का ससुराल? क्या ऐसे कहे ना कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, और वही आज कमाल पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है, और रामलला का स्वागत करने के लिए रब कुश रथ यात्रा पटना से निकल कर अयोध्या धाम जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर का नज़ारा है, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से काफ़ी उत्साह का माहौल है। अंदर भी आप देख सकते हैं अंदर का ये पूरा नज़ारा है, काफ़ी उत्साह का माहौल है, और जो तमाम जो लोग हैं वो घूम रहे हैं अनेकों। आपने देखा है किस तरीके से काफ़ी उत्साह का माहौल है, और देखिए इस रथ को कितनी खूबसूरत ये रथ है, और राम जी के ससुराल भी गया था रथ, और काफ़ी उत्साह का माहौल है। तो भाई रही लाइव सिटीज़ के साथ।